आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे को कमेंट कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो कि PMJY का आईडी हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर दो तरीका है, आपके पास CSE आईडी है तो उसका अलग प्रोसेस है, आपके पास CSE आईडी नहीं है तो उसका अलग प्रोसेस है। मैं आपको इस वीडियो में दोनों प्रोसेस बताऊंगा, CSE आईडी हो या फिर ना हो, आप कैसे एक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि PMJY आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो PMJY आईडी आप कैसे बनाएंगे, जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि दरअसल है क्या। एक बार प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी कि PMJY का आईडी आपका बन जाता है तो आप कोई भी कस्टमर का हेल्थ कार्ड बना सकते हैं, जिस हेल्थ कार्ड की मदद से वो कस्टमर, वो यूजर वो क्या करेगा, अपने फैमिली में जितने भी लोग हैं उसको सबको अटैच करेगा वहाँ पे, और किसी का भी अगर ट्रीटमेंट कराऊंगा, मेडिकल ट्रीटमेंट, तो एक साल में 5 लाख रुपए तक गवर्नमेंट फ्री में देता है, जो कि अपने नियरेस्ट कोई भी हॉस्पिटल में जाके वो इलाज करवा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि PMJY का आईडी का हम कैसे क्रिएट करेंगे, CSE आईडी हो या फिर ना हो। तो जिनके पास CSE आईडी है, जो लोग CSE वैली हैं, वो अगर किसी का हेल्थ कार्ड बनाना चाहते हैं, आयुष्मान भारत कार्ड में किसी को एंगेज करना चाहते हैं, वो आते हैं इस वेबसाइट में। यहाँ पर आने के बाद वो डाउनलोड भी कर सकते हैं आयुष्मान भारत कार्ड को, और यहाँ से बना भी सकते हैं। यहाँ पर आपका डिटेल्स देना होता है, कैप्चा देने के बाद वैलिडेट पर क्लिक करके आपको लॉगिन करना होता है। बट यहाँ पर आपको काफ़ी एरर अभी आ रहा है, अभी आप यहाँ पर नहीं बना रहे हैं। काफ़ी सारे CSE वैली कमेंट कर रहे थे कि यहाँ पर नहीं बन रहा है। इसके बाद एक और वेबसाइट है जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का, यहाँ पर भी आप बना सकते हैं CSE वैली, यहाँ पर भी कर सकते हैं। इसके लिए वो क्या करेंगे, साइन इन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन है CSE कनेक्ट का, यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद यूजर आईडी पासवर्ड देके साइन इन में क्लिक करना है। इसके बाद आगे बढ़ने पर भी आपको ये वेबसाइट में आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, मतलब कि इसमें भी आपको प्रॉपरली सॉल्व नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए CSE वैली क्या करेंगे, मैंने आपको इस वीडियो के नीचे एक डायरेक्ट लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप एक अच्छी वाली 24x7 वर्क करने वाली एक वेबसाइट में पहुँच जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करने के बाद ही आप इस पर आ सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर बोल रहा है कि आधार मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर डालना है आपको, आधार नंबर यहाँ पर नहीं डालना है, आपका मोबाइल नंबर वही डाले जो कि आपकी आधार कार्ड के साथ लिंक्ड हो। इसके बाद यहाँ पर वही आधार नंबर डालना है, इसके बाद सबमिट में क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको टिक करना है, जैसे आप यहाँ पर टिक करेंगे नीचे आपको एंटर OTP का एक बॉक्स आ जाएगा, आपके मोबाइल नंबर में एक OTP आया होगा जिसको यहाँ पर डाल के वैलिडेट में क्लिक करेंगे। जैसे आप वैलिडेट में क्लिक करेंगे ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, इसके बाद आधार OTP हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके। अभी आपका पर्सनल डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा, जैसे आप नीचे करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ फिल करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कम्युनिकेशन एड्रेस डिटेल्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपके आधार कार्ड के साथ अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस भी सेम है तो यहाँ पर टिक कर देंगे, अगर दूसरा है तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ऐसे, और डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे और मैनुअली लिखेंगे, बट अगर आपका आधार कार्ड का एड्रेस और अभी का करेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर देंगे, सभी आधार का एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। इसके बाद यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है, रोल डिटेल्स, रोल प्लेड इन रेस्पेक्टिव एप्लीकेशन, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस पर आपको 2020 क्राउड सोर्सिंग और TMS, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि आपको क्लिक कहाँ करना है, आपको क्लिक करना है 2020 में। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर दो और ऑप्शन ऐड हो जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे रोल में, और आप CSE यूज़र हैं, एजेंसी एडमिन हैं, फैसिलिटेटर हैं, मोड यूज़र हैं, PMM यूजर हैं, सेल्फ यूजर हैं, एजेंसी यूजर हैं, NRLM फैसिलिटर्स हैं, तो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप CSE वाले नहीं हैं तो यहाँ पर सेल्फ कर सकते हैं, तो जैसे कि हम CSE वाले हैं तो CSE यूज़र में क्लिक करेंगे। जैसे आप CSE यूज़र में क्लिक करेंगे नीचे आ जाएगा लॉगिन नेम, आपको यहाँ पर एक लॉगिन नेम सेट करना होगा, जैसे कि हम यहाँ पर डाल लेते हैं इसके बाद क्रिएट में क्लिक करेंगे। लॉगिन हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर, हमारा नाम आ चुका है, इसके बाद ओके।
इसके बाद आपके सामने यूज़र मैनेजमेंट का एक ऑप्शन आएगा, अप्रूवर लॉगिन, आयुष्मान मित्र लॉगिन और सेल्फ रजिस्ट्रेशन। जैसे कि हमने सीएससी को यूज़ करके उस पर रजिस्ट्रेशन किया था, तो हमको यहाँ पर सीएससी को डॉक्यूमेंट देना होगा तब जाके ये एक्टिव होगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ट्राई करके देखता हूँ लॉगिन हो रहा है या फिर नहीं। तो इसके लिए हम लॉगिन आईडी डालेंगे, इसके बाद स्टेट को ऐसे सेलेक्ट करेंगे ऐसे, इसके बाद लॉगिन, नो डिटेल्स अवेलेबल, यानी कि ये डिटेल्स अप्रूव नहीं हुआ है। अप्रूव करने के लिए अप्रूवर लॉगिन में क्लिक करना होता है और आपको यहाँ पर आगे जाना होता है, लेकिन अभी आप नहीं जा सकते, उस सीएससी ऑफिस का काम है, आप उस पर छोड़ दीजिए। जैसे अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ से आप काम कर सकते हैं। अभी बात करते हैं जिनके पास सीएससी आईडी नहीं है वो कैसे आयुष्मान भारत कार्ड बना सकते हैं। इसके लिए आपको एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा इस वीडियो के नीचे है, आप जाके उस वेबसाइट में क्लिक करके इस पर आ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन आईडी क्रिएट का, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कोई भी ऑनलाइन आईडी क्रिएट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रोसेस ही नहीं है जहाँ से आप ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप यूज़र लॉगिन में क्लिक करेंगे ना, यूज़र नेम और पासवर्ड आपको यहाँ पर सिर्फ मिलेगा, यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट या फिर साइन अप रजिस्टर बोल के कुछ ऑप्शन ही नहीं है। दरअसल इसलिए नहीं है क्योंकि ऑनलाइन से आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते आयुष्मान भारत कार्ड के लिए, यानी कि आयुष्मान भारत कार्ड बनाने वाली आईडी के लिए, PMJAY आईडी के लिए आपको ऑनलाइन में कोई भी सुविधा नहीं है, बस आपको इसे ऑफलाइन में ही करना होगा। तो ऑफलाइन का प्रोसेस आपको जानने के लिए क्या करना होगा, आप यहां पर देख सकते हैं काफ़ी सारा मेनू है। तो आपके सामने यहां पर एक ऑप्शन है UTITSL ऑथराइज PMJAY सेंटर्स, यहां पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है, ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। इसके बाद आपके इंडिया में देख सकते हैं UTITSL का ऑथराइज्ड PMJAY सेंटर कहाँ कहाँ पर है आपके सामने आ जाएगा। अपना स्टेट या फिर सिटी का नाम यहाँ पर ऐसे टाइप करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके कंसर्न्ड जो भी लोकेशन होगा यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो नहीं है, बट आप यहाँ पर एड्रेस देख सकते हैं, ये UTITSL का ऑथराइज्ड PMJAY सेंटर है जहाँ पर आप जाके भी कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। बट अगर आपको मोबाइल नंबर चाहिए, कॉल करना है या फिर ईमेल आईडी चाहिए, तो इसके लिए आपको आना होगा बैक इस पेज में। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कॉन्टैक्ट अस का एक टैब मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, मतलब कि आप कौन से इलाके में रहते हैं, कौन से एरिया में रहते हैं, नॉर्थन में रहते हैं, ईस्टर्न में रहते हैं, वेस्टर्न में रहते हैं या फिर साउथर्न में रहते हैं, अपने हिसाब से यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि यहां पर न्यू दिल्ली लिखा है इसका मतलब सिर्फ न्यू दिल्ली में ही ये है, ऐसा नहीं है। न्यू दिल्ली में कहां कहां है आपके सामने यहां पर देख सकते हैं, स्टेट भी मेंशन है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और लद्दाख, राजस्थान। इसके बाद ईस्ट में क्या है, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। ठीक उसी तरीके से वेस्टर्न में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और लास्ट में साउथर्न में देख सकते हैं आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, लक्षद्वीप, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड तेलंगाना। जो भी स्टेट में आप रहते हैं उस कंसर्न का यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा और ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। इस तरीके से आप डायरेक्टली उनको ईमेल भी कर सकते हैं रिगार्डिंग प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का आईडी हम कैसे बना सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो में जो बताया इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। और हाँ, साइड बिजनेस अब आपको करना है, आपके पास ऑलरेडी सीएससी आईडी है, आप एक साइड बिजनेस की तलाश में हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ। इस वीडियो के नीचे लिंक है या फिर वेबसाइट का लिंक भी नीचे है, आप जाके उस पर क्लिक करके विजिट कर सकते हैं और अच्छी कमाई, एक एक्स्ट्रा आमदनी कर सकते हैं।